मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट सेकंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपन कार्बोक्सिलिक एसिड्स के डेरिवेटिव्स के बारे में पढ़ रहे थे। तो इससे पहले जो लेक्चर हुआ था उसमें अपन ने उनका जनरल इंट्रोडक्शन और कौन कौन से ऐसे डेरिवेटिव्स होते हैं उनके बारे में पढ़ा था, उन्हें कैसे कैसे अपन बनाते हैं। आज अपन देखते हैं इंटर कन्वर्जन ऑफ एसिड डेरिवेटिव्स फ्रॉम न्यूक्लियोफिलिक एसिड सब्स्टिट्यूट। इंटर कन्वर्जन ऑफ एसिड डेरिवेटिव्स फ्रॉम न्यूक्लियोफिलिक एसिड सब्स्टिट्यूट। ठीक है, देखो ना टॉपिक है इंटर कन्वर्जन ऑफ एसिड डेरिवेटिव्स फ्रॉम न्यूक्लियोफिलिक एसिड सब्स्टिट्यूट। कि न्यूक्लियोफिलिक एसिड प्रतिस्थापन के द्वारा एसिड डेरिवेटिव्स का अंतर परिवर्तन, कि एक एसिड डेरिवेटिव्स को दूसरे एसिड डेरिवेटिव्स में किस प्रकार से अपन न्यूक्लियोफिलिक एसिड सब्स्टिट्यूट द्वारा इंटर कन्वर्ट हम कर सकते हैं। इसमें देखो, फर्स्ट अपन लेते हैं, जैसे पहले बात करें RCU जेड, एसिड डेरिवेटिव्स ये होते हैं, इनमें ये जेड होता है न्यूक्लियोफाइल। तो इस जेड ग्रुप को आपस में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के द्वारा अपन यहाँ पर कौन कौन से ग्रुप लगा सकते हैं, कौन से नए एसिड डेरिवेटिव्स हैं वो बना सकते हैं, ये पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें अपन फर्स्ट लेते हैं एसिड क्लोराइड से जो अदर डेरिवेटिव्स हैं उनका सिंथेसिस। फर्स्ट है सिंथेसिस ऑफ अदर डेरिवेटिव्स फ्रॉम एसिड क्लोराइड। देखो एसिड क्लोराइड मान लो अपन ये लिया है RCUCl, ये है एसिड क्लोराइड। देखो इसको इससे अपन अदर डेरिवेटिव है वो कैसे कैसे बना सकते हैं। इसकी रिएक्शन मान लो अपन करवा दें अमोनिया के साथ, या फिर ले लें सोडियम एसिटेट, या फिर ले लें सोडियम इथोक्साइड। ठीक है, तो देखो जब एसिड क्लोराइड की रिएक्शन अपन करवाएंगे अमोनिया के साथ, तो यहां से ही जो जेड न्यूक्लियोफाइल है ये यहां से NH2 द्वारा रिप्लेस हो जाएगा, ये बनेगा RCUNH2, ये इसका फॉर्मेशन हो गया MI का। ओके, ऐसे ही सेकेंड जैसे अपन इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाएं, सोडियम इथोक्साइड के साथ करवाएं, तो यहां से ये जो न्यूक्लियोफाइल है वो इस न्यूक्लियोफाइल से सब्स्टिट्यूट हो जाएगा OC2H5, यहाँ से NaCl बाहर, और ये बनेगा RCOO OC2H5, किसका फॉर्मेशन हो गया एस्टर। ओके, ऐसे ही अगर इसकी रिएक्शन अपन करवाएं सोडियम एसिडेट के साथ, तो यहाँ से ये Cl है वो इस एसिडेट के द्वारा रिप्लेस हो जाएगा, और ये बनेगा RCOO OCO CH3, तो ये किसका फॉर्मेशन हो गया एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, तो ये फर्स्ट अपन ने पढ़ाया कि एसिड क्लोराइड से अपन जो अदर एसिड डेरिवेटिव्स हैं उन्हें कैसे बना सकते हैं। ओके, सही नकल लेते हैं इसमें कि सिंथेसिस ऑफ अदर एसिड डेरिवेटिव्स फ्रॉम एस्टर्स। सेकेंड ले फ्रॉम एस्टर्स। ठीक है, एस्टर पहले अपना CWOOR, ये एस्टर है। इधर देखो, एक तो इसकी रिएक्शन अपन करवा दें NH3 के साथ, दूसरी करवा दें PCl5 के साथ, थर्ड यहां पर अपन ले फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड के साथ।
है। तो देखो एस्टर से अदर डेरिवेटिव्स को अपन कैसे बनाएंगे, एस्टर की रिएक्शन अगर अपन अमोनिया से करवा दें तो क्या बन जाएगा, यहाँ से एल्कोहल का मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, ओ आर की जगह क्या आ जाएगा NH2 CO2 NH2। तो ये क्या बन गया अपना MI। सेकेंड अगर एस्टर की रिएक्शन अपन किसके साथ करवा दें, PCl5 के साथ करवा दें, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा Cl आ जाएगा और ये ऐसे ओके। ऐसे ही अगर अपन इस एस्टर का फर्स्ट स्टेप में तो करवाएं हाइड्रोलिसिस, एस्टर का हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो यहां से एक तो एल्कोहल मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, दूसरा एसिड बनेगा, एसिड का मॉलिक्यूल बनेगा फर्स्ट स्टेप में। सेकंड स्टेप में P2O5 फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड क्या काम करेगा, यहां पर ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, यानी एसिड के दो मॉलिक्यूल और यहां से एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाए, इसका फॉर्मेशन हो जाएगा एनहाइड्राइड, ये बन जाएगा RCOOCO। ठीक है, तो किसका फॉर्मेशन हो गया एनहाइड्राइड। ठीक है, अब देखो ये सेकंड हो गया, फर्स्ट अपन ने पढ़ा एसिड हैलाइड से अदर डेरिवेटिव्स का फॉर्मेशन, सेकंड लिया एस्टर से अदर डेरिवेटिव्स का फॉर्मेशन, थर्ड अपन लेते हैं MI से अदर डेरिवेटिव्स का फॉर्मेशन, थर्ड है फ्रॉम MI। ओके, तो ये होते हैं MI RCONH2, ये क्या है MI। ओके, यहाँ पर एक तो अपन इसकी रिएक्शन करवा दें कि फर्स्ट स्टेज में हाइड्रोलिसिस करवाएं और एल्कोहल के साथ रिएक्शन करवाएं, या फिर हाइड्रोलिसिस करवा के फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड के साथ हीट करें, या फिर हाइड्रोलिसिस करवा के PCl5 के साथ रिएक्शन करवा दें। ठीक है, तो यहाँ पर देखो फर्स्ट स्टेज में क्या हो रहा है, दोनों में हाइड्रोलिसिस होगा, हाइड्रोलिसिस करवाएंगे अपन तो एमाइड से किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, सबसे पहले एसिड का फॉर्मेशन होगा, एसिड के फॉर्मेशन के बाद इस एसिड की रिएक्शन किससे करवा दें, यहाँ पर एल्कोहल से करवा दें, तो एसिड और एल्कोहल की रिएक्शन से किसका फॉर्मेशन होगा एस्टर का फॉर्मेशन होगा, और ये बनेगा देखो RCOOR-S। तो ये तो बन गया एमाइड से एस्टर। ऐसे ही अगर एमाइड का फर्स्ट डे में हाइड्रोलिसिस करवाएं तो वही एसिड बनेगा, सेकेंड एसिड ये P2O5 फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड क्या काम करेगा, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, एसिड मॉलिक्यूल वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकालेगा, तो दो एसिड के दो मॉलिक्यूल में से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये क्या बन गया एनहाइड्राइड। ओके, ऐसे ही अगर अपन फर्स्ट स्टेज में हाइड्रोलिसिस करवाएं तो एसिड का फॉर्मेशन, फिर उस एसिड की रिएक्शन किसके साथ करवाएं PCl5 के साथ करवाएं तो एसिड का OHO Cl से रिप्लेस हो जाएगा और किसका फॉर्मेशन हो जाएगा एसिड हैलाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये हो गया थर्ड मेथड कि फ्रॉम एमाइड, एमाइड से अदर एसिड डेरिवेटिव्स का सिंथेसिस आपको कैसे करें। फोर्थ अपन लेते हैं इसमें फ्रॉम एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड से अदर एसिड डेरिवेटिव्स का सिंथेसिस, फ्रॉम एनहाइड्राइड्स। ठीक है, तो ये है देखो एनहाइड्राइड RCOOCO-S। एनहाइड्राइड एक तो अपन इसकी रिएक्शन करवा दें HCl के साथ, दूसरी अगर अपन इसकी रिएक्शन करवा दें एथेनॉल के साथ, थर्ड अपन इसकी रिएक्शन करवा दें NH3 के साथ। ठीक है, तो यहां से देखो एनहाइड्राइड की रिएक्शन अगर HCl के साथ करवाएंगे तो क्या बन जाएगा RCOCl, एसिड हैलाइड और दूसरा एसिड का मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, तो ये हो गया एसिड हैलाइड। दूसरा अगर अपन एनहाइड्राइड की रिएक्शन हो किसके साथ करवाएं, एल्कोहल के साथ करवाएं, तो यहां से देखो ये बनेगा RCOOC2H5, एसिड का मॉलिक्यूल बाहर, इसका फॉर्मेशन हो गया
एस्टर का फॉर्मेशन हो गया। थर्ड अगर अपने इसकी रिएक्शन अमोनिया के साथ करवाएं तो यहां से वही ऐसे मॉलिक्यूल बाहर और एनएच टू यहाँ आ जाएगा, इसका फॉर्मेशन हो जाएगा एमआई का। तो ये हो गया एनहाइड्राइड से अदर एसिड डेरिवेटिव्स का फॉर्मेशन। तो ये अपना टॉपिक था इंटर कन्वर्जन ऑफ एसिड डेरिवेटिव्स फ्रॉम न्यूक्लियोफिलिक एसिड सब्स्टिट्यूट, कि न्यूक्लियोफिलिक एसिड प्रतिस्थापन के द्वारा अपन एसिड डेरिवेटिव्स का अंतर परिवर्तन या इंटर कन्वर्जन है वो कैसे करते हैं। ठीक है, इसके आगे अपना टॉपिक आता है प्रिपरेशन एंड केमिकल रिएक्शन ऑफ एसिड डेरिवेटिव्स। अब अपना टॉपिक है प्रिपरेशन एंड केमिकल रिएक्शंस ऑफ एसिड डेरिवेटिव्स। ठीक है, इसमें देखो फर्स्ट अपन लेते हैं एसिटिल क्लोराइड। क्या ले रहे हैं? एसिटिल क्लोराइड ऐसे हैलाइड है। तो देखो एसिटिल क्लोराइड होता है CH3COCl, यही होता है एसिटिल क्लोराइड। देखो इसे अपन कैसे कैसे बना सकते हैं, एसिड की रिएक्शन जब अपन करवाए PCl3 के साथ या फिर एसिड की रिएक्शन अपन करवाए PCl5 के साथ या एसिड की रिएक्शन अपन करवा दें SOCl2 के साथ। फर्स्ट अपन ने लिया है कि एसिडिक क्लोराइड या जो एसिड हैलाइड है इसके प्रिपरेशन मेथड अपन देख रहे हैं, फिर इसके केमिकल रिएक्शंस देखेंगे। तो एसिडिक क्लोराइड को अपन किन किन मेथड से वो बना सकते हैं, इसके सिंथेसिस है वो किन किन मेथड से कर सकते हैं। फर्स्ट अपन ने लिया है कि एसिडिक एसिड की रिएक्शन जब अपन फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड PCl3 के साथ करवाएं तो यहां से क्या बन जाएगा CH3COCl एसिडिक क्लोराइड और साथ में क्या निकल जाएगा H3PO3। ठीक है, सेकेंड अगर अपन एसिडिक एसिड की रिएक्शन फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl5 के साथ करवा दें तो यहां से एक तो बन जाएगा ये एसिडिक क्लोराइड, साथ में मिलेगा POCl3 और एक HCl का मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ध्यान रखना यहाँ जो PCl3 के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो बाय प्रोडक्ट के रूप में H3PO3 बनता है, जबकि PCl5 के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो बाय प्रोडक्ट के रूप में अपने पास POCl3 और HCl का फॉर्मेशन होता है। थर्ड मेथड आता है कि एसिड की रिएक्शन जब अपन थायोनिल क्लोराइड SOCl2 के साथ करवाते हैं तो वही एक तो क्या बन जाएगा एसिडिल क्लोराइड, साथ में एक SO2 का मॉलिक्यूल और एक HCl का मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। वैसे ये मेथड है वो सबसे बेस्ट मेथड माना जाता है एसिड हैलाइड बनाने का। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बाय प्रोडक्ट के रूप में क्या क्या बन रहा है अपने पास SO2 और HCl, ये दोनों ही कैसे प्रोडक्ट है गैसियस प्रोडक्ट है, यानी इजीली यहां से अपन इसे टॉक्सिक में प्राप्त कर सकते। ठीक है, तो ये मेथड है वो सबसे बेस्ट मेथड माना जाता है। और जो लेबोरेटरी मेथड है प्रयोगशाला में एसिटिल क्लोराइड बनाने की जो विधि है वो है ये कि एसिडिक एसिड की रिएक्शन और PCl3 के साथ करवा के एसिडिक क्लोराइड को बनाया जाता है। ठीक है, अब देखो ये यहां तक हो गया अपने पास एसिडिक क्लोराइड की सिंथेसिस के मेथड। इसके आगे आएंगे एसिडिक क्लोराइड की केमिकल रिएक्शन जो अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके okay?